बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का फिजिक्स के चैप्टर टू का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हम सिंपली आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जी, हमारे पास दो तरीके होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। एक तो है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकेंड वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो इन सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स सच एज ए डी आर एन वी एटसेट्रा। जिस तरह इधर ए डी आर और वी लिखे हुए, मतलब इस तरह बोल्ड तरीके से वो अल्फाज लिखा हुआ होगा, हर्फ लिखा हुआ होगा। इट मीन्स दैट इज वेक्टर। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद एन एरो प्लेस्ड अबव और बिलो द लेटर सच एज ए। जैसे ये ए लिखा है, या तो इसके अबव में एरो होगा या इसके बिलो एरो होगा। इट मीन्स ये वेक्टर है। After that we have graphical representation. It is represented by a straight line with an arrowhead at its one end. The length of the line represents magnitude of vector. कोई भी एक line है, उसके आगे arrowhead है, it means it is vector. और जो उस line की जो length होगी, it means that is magnitude of the vector. Arrowhead represents the direction of the vector. Vector की direction होती है, वो किस तरफ move कर रहा है, वो arrowhead represent करेगा। The starting point is called origin or tail point and the end point of the vector is called head. Now see the image. जिस तरह इसमें बताया गया है कि A to B जा रहा है, this is the direction जो arrowhead है, जो उसकी length है वो उसका magnitude होगा। और इसका जो अब हमारे पास origin है या tail point है वो A पे है, और उसका head point जो है वो B है। After the representation of magnitude of vector, the magnitude of vector is represented by light face, एक तो हल्का लिखा होगा, and italic letter such as A, D, R and V. जिसमें the A, D, R और V लिखे हैं बिल्कुल italic में, इस तरह लिखा होगा तो इसका मतलब है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और बाय टेकिंग मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर सच एज, या उसका मोड आप लोगे, जिस तरह इधर A को लिखा हुआ है मोड में, V लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ इनके अबव या बिलो एरो हेड्स होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, टेन क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। इसी तरह जो एरो है वो क्या डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिस तरह नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की रिप्रेजेंट करके दिखाई गई, एरो उस तरफ होगा जिस तरफ डायरेक्शन होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।